हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, बालसाधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, साइंस बुक में चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रतिरक्षा और रक्त समूह में, आज हम टॉपिक आरएच फैक्टर का अध्ययन करेंगे, जिसे हिंदी में आरएच कारक भी कहते हैं। वंस अगेन, क्लास 10th की साइंस की बुक में चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रतिरक्षा और रक्त समूह, में टॉपिक आरएच फैक्टर, आरएच कारक का हम अध्ययन करेंगे। आज टॉपिक है आरएच फैक्टर, आरएच एंटीजन भी बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं आरएच कारक। देखो, पहला है कि ये नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है, इस एंटीजन का या इस कारक का नाम हम के पहले आरएच क्यों जोड़ा गया है। ये लिया गया शब्द, एक जीव थे रिसस मंकी, पूरा नाम इसका हम बोल सकते हैं मकाका, मकाका रिसस मंकी, मंकी की प्रजाति है। इसमें रिसस जो शब्द है, इसके प्रथम दो लेटर्स हैं, इस एंटीजन का नाम रखा गया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आर एच फैक्टर, आर एच एंटीजन, यह हिंदी में बोलेंगे आरएच कारक, आरएच फैक्टर का नामांकन या आरएच फैक्टर की खोज रिसस मंकी से मानी जाती है। रिसस मंकी में जो रिसस शब्द है, उसके प्रथम जो दो लेटर हैं, उससे इस फैक्टर का, इस एंटीजन का नाम रखा गया है। तो पहला तो आ जाएगा आरएच फैक्टर की खोज, दो वैज्ञानिक थे जो 10th की बुक में शायद नहीं दे रखा इनके बारे में, एक थे कार्ल लैंड स्टीनर व विनर, ये दो साइंटिस्ट थे। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर विनर वैज्ञानिकों ने, मकाका यहां से लिया गया रिसस मंकी, मका का रिसस मंकी में की थी। ये तो सामान्य अर्थ है कि किन दो वैज्ञानिकों ने, ये स्टूडेंट्स आपकी बुक में वैज्ञानिकों के नाम नहीं दे रखे, खोजकर्ताओं के नाम नहीं दे रखे हैं, यहां से ही लिया गया कि मका का रिसस मंकी में इसकी खोज मानी जाती है। दूसरा देखो, क्या है ये, कि क्या बोल सकते हैं एंटीजन है, एक एंटीबॉडी, आरएच फैक्टर एक एंटीजन है। ब्लड से संबंधित जितने सारे एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। आगे है, यह है एंटीजन या फैक्टर, स्थिति है इसकी कि कहां पाया जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। इसके अलावा एंटीजन ए, एंटीजन बी, वो भी आरबीसी की सतह पर है, ये भी एंटीजन है, तो ये भी कहां पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर है। देखो एक बार, वंस अगेन, क्या है, एंटीजन है, स्थिति आरबीसी की सतह पर, क्योंकि ब्लड से संबंधित एंटीजन सारे आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कार्पल्स, रुधिर में उपस्थित कणिका है। सेकंड है, किस जीव में, रिसस मंकी में, इससे यह शब्द लिया गया। देखो नेक्स्ट है, केमिकल कंपोजिशन
ऑफ आर एच फैक्टर, इसका रासायनिक संगठन क्या है, ये ध्यान रखना है। आर एच एक प्रोटीन है, प्रोटीन यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, एक प्रोटीन है जिसमें कुल 417 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। प्रीवियस चैप्टर में ये बिंदु आया आपके सामने कि नाम क्यों रखा गया है, ऐसे हैं देखो, कार्बन है, कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है, वैलेंसी 4, ये एल्किल समूह R, ये तो है एसिड इसलिए एसिड लिया गया, ये क्या है एमीन ग्रुप इसलिए शब्द रखा गया एमिनो एसिड। टोटल 20 होते हैं मानव की देह में, परंतु इसमें टोटल 417 एमिनो एसिड है। यह एक बिंदु और हम ध्यान रख सकते हैं, प्रोटीन की सिंगल यूनिट, प्रोटीन की सिंगल यूनिट एकल इकाई को यानी एक संरचना को सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट होती है एमिनो एसिड। कहने का अर्थ है खूब सारे एमिनो एसिड एक विशेष बंध द्वारा, बंध का नाम है पेप्टाइड, ये भी शब्द आया आपके सामने, पेप्टाइड बंध द्वारा यदि जुड़े रहते हैं, जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए प्रोटीन की एकल इकाई को कहते हैं एमिनो एसिड, ऐसे दर्शाते हैं क्योंकि ये एसिड है ये एमिनो है इसलिए एमिनो एसिड नाम रखा गया। कुल कितने हैं, 417 हैं, यानी आर एच क्या है, प्रोटीन है। देखो नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ आर एच फैक्टर, फर्स्ट मानों में ध्यान कर लेना, 5 टाइप होते हैं इसके, मोस्टली 5 टाइप्स इन ह्यूमन, फर्स्ट है आर एच डी, सेकंड है आर एच कैपिटल ई, थर्ड है आर एच स्मॉल ई, फोर्थ है आर एच कैपिटल सी, फिफ्थ है आर एच स्मॉल सी, ये सामान्यतः प्रकार है। अगर हम संपूर्ण मानव जाति में देखें या कंप्लीट पॉपुलेशन में देखें तो सबसे अधिक मात्रा में आर एच डी पाया जाता है, लगभग 85% लोगों में। दूसरा है, या ये बोल सकते हैं मानव जाति में लगभग 90% से अधिक लोगों में, 90% से अधिक लोगों में आर एच एंटीजन पाया जाता है। उसके आगे स्थितियाँ लेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आर एच फैक्टर है, इनकी आवृत्ति रहती है निरंतर, निम्नानुसार आवृत्ति रहती है, आवृत्ति में ये 85% है, आर एच ई ये 30% है, आर एच ई ये 78% है, आर एच कैपिटल सी ये 80% है और आर एच स्मॉल सी ये भी 80%। इनकी निरंतर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। सेकंड देखो, जिनमें आर एच फैक्टर उपस्थित होता है उन्हें आर एच पॉजिटिव, लगभग ध्यान करना है 90% से अधिक ऐसी स्थिति रहती है, 93% व्यक्ति आर एच पॉजिटिव है, बट 10th की बुक के अनुसार अगर हम देखें 85% व्यक्ति, मानव की जो प्रजाति है या आबादी है टोटल पॉपुलेशन, उसमें 85% व्यक्तियों में आर एच एंटीजन पाया जाता है, जिनमें पाया जाता है वो पॉजिटिव, तो जिनमें नहीं पाया जाता है वो नेगेटिव हो जाएंगे। सेकंड स्थिति है,
आर एच फैक्टर का, जिनमें अभाव, क्या बोलेंगे, आर एच नेगेटिव। इस स्थिति में लगभग जो जनसंख्या है भारत में या संपूर्ण विश्व में, हम देखें लगभग 15%, ये संपूर्ण विश्व की स्थिति है, विश्व में है कि विश्व में जो टोटल आबादी है, टोटल मानव प्रजाति है, उसमें 85% लोगों में, लगभग 85% लोगों में आर एच एंटीजन है, लगभग 15% में आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता, जिनमें है उसको पॉजिटिव, जिनमें नहीं है उसको नेगेटिव। अब देखो जटिलता एक ये रहती है कि कुछ बार किन्हीं दो व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप समान है, जैसे ए ए है, एक व्यक्ति डोनेट कर रहा है, दूसरा ए ब्लड ग्रुप वाला यदि रिसीव कर रहा है यानी ग्रहण कर रहा है, फिर भी कुछ बार रिसीव करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसा ये है क्योंकि एक का आर एच पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। यदि जो ग्रहण कर रहा है वो आर एच नेगेटिव है, जो दान कर रहा है वो आर एच पॉजिटिव है, ऐसी स्थिति में ग्रहण करने वाले व्यक्ति में एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी बनेंगे, IgG, और ये बनने वाले एंटीबॉडी क्या करते हैं, RBC को चिपका देते हैं, RBC में समूहन क्रिया को प्रेरित करते हैं। समूहन होंगी तो RBC में अंदर हीमोग्लोबिन व ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसके साथ साथ बिलरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ अधिक बनता है, पिगमेंट है ये लीवर में बनता है, और जिससे लीवर व स्प्लीन, लीवर व पलीहा दोनों को हानि हो सकती है। देखो वंस अगेन, कुछ बार समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में ब्लड के आदान प्रदान से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे दो व्यक्ति हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ए वाले का ये मान लेते हैं एक डोनेट कर रहा है, दूसरा ए वाला रिसीव कर रहा है, डोनेट करने वाले में आर एच पॉजिटिव है परंतु रिसीव करने वाला आर एच नेगेटिव है, तो जैसे ही वो रिसीव करेगा उसमें IgG प्रतिरक्षी अधिक बन जाते हैं। इस प्रतिरक्षी के कारण RBC समूहन क्रिया दर्शाती हैं, नष्ट होने लगती हैं, और नष्ट होने के फलस्वरूप इसी के साथ साथ एक पिगमेंट बनता है बिलरुबिन, ये बिलरुबिन लीवर व प्लीहा को नष्ट कर देता है। प्लीहा अमाशय के पास में उपस्थित ऑर्गन है, देह का ब्लड बैंक भी कहते हैं इसे, रुधिर का बैंक भी कहते हैं, फिल्टर ऑर्गन भी है ये। देखो नेक्स्ट है रक्तदान के समय ब्लड ग्रुप्स के साथ साथ आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन का भी मिलान आवश्यक है। यदि आर एच पॉजिटिव व्यक्ति आर एच नेगेटिव यदि आर एच पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड आर एच नेगेटिव में स्थानांतरित किया जाए, ब्लड ग्रुप समान है केवल एंटीजन की भिन्नता है, तब आर एच नेगेटिव व्यक्ति में यानी ग्राही व्यक्ति में IgG मानव की देह में पाए जाने वाली सबसे अधिक एंटीबॉडी हैं, दूसरा प्लेसेंटा को पार करने वाली एकमात्र हैं, आवल बोलेंगे जिसे हिंदी में, आवल को पार करने वाली सबसे अधिक मात्रा में IgG एंटीबॉडी उत्पन्न होती हैं। ये एंटीबॉडी यानी जो उत्पन्न हुई है अधिक मात्रा में बनी है, ये एंटीबॉडी RBC को रुधिर समूहन विधि द्वारा नष्ट कर देती है। दूसरा क्या हो जाएगा,
इस कारण रक्त में बिलरुबिन पिगमेंट है, बिलरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की मात्रा बड़ी मात्रा में जमा हो जाती है। बिलरुबिन की अधिकता से यकृत, इंग्लिश में बोलेंगे लीवर, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, वह प्लीहा स्प्लीन, दोनों फिल्टर ऑर्गन भी है, मानव में तीन फिल्टर ऑर्गन है, यानी छानने का कार्य करते हैं, वो किडनी है, लीवर व स्प्लीन है, को हानि पहुंचाकर किडनी को फेलियोर कर सकती हैं, फेलियोर यानी विफल, किडनी को विफल कर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनती हैं, मृत्यु का कारण बनती हैं। ये पहली स्थिति है कि यदि समान ब्लड ग्रुप है परंतु आरएच विपरीत स्थिति में, यानी एक में है यानी पॉजिटिव, एक में नहीं है नेगेटिव, तो उसके कारण एक विशेष प्रतिरक्षी बनते हैं, कौन से, आईजीजी बनते हैं। क्या करते हैं आईजीजी? ये अधिक मात्रा में बनते हैं आईजीजी, ये एंटीबॉडी रुधिर समूहन को प्रेरित करते हैं, साथ ही बिलरुबिन की मात्रा अधिक बनने लगती है, ब्लड में जमा हो जाती है, जिससे व्यक्ति के जो लीवर और स्प्लीन जो मुख्य ऑर्गन है, फिल्टर ऑर्गन भी हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, साथ ही किडनी फेलियोर भी हो सकती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखो सेकंड एक स्थिति है आरएच फैक्टर की जटिलता, एक जटिलता और होती है इसमें। अब देखो क्या जटिलता है, वो एक हम ये ले लेते हैं पेरेंट फर्स्ट, ये ले लेते हैं पेरेंट सेकंड। पी वन का अर्थ है पेरेंट फर्स्ट, पी टू का अर्थ है पेरेंट सेकंड। यदि ये मेल से संबंधित है तो ये फीमेल से, इसको हम बोल सकते हैं पिता, इसको बोल सकते हैं माता। यदि ये स्थिति है आरएच पिता, आरएच पॉजिटिव है यानी आरएच कारक है आरबीसी की सतह पर, परंतु यदि माता में नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा मेल जिसकी शादी ऐसी वुमेन से होती है, ये वुमेन, एक ऐसा पुरुष जिसकी शादी एक ऐसी महिला से होती है जो आरएच नेगेटिव हो, या यदि आरएच पॉजिटिव पुरुष की शादी आरएच नेगेटिव महिला से होने पर उनमें द्वितीय संतति, प्रथम तो सामान्य होगी उसका कारण लेंगे, द्वितीय संतति मर्त क्यों हो जाती है या एक विकार से ग्रसित क्यों हो जाती है, वो जटिलता हम लेंगे। देखो मेल ही है फीमेल ही है, दो इस मेल की शादी इस फीमेल से होने पर, या यदि पिता ये माता ये, यदि इसमें प्रोजेनी ये होगी तब जटिलता होगी, अगर आरएच नेगेटिव होंगी, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होगा, माता के यूट्रस में होगा, गर्भाशय में होगा, यदि दोनों आरएच नेगेटिव होंगे तब जटिलता नहीं आती है, परंतु यदि एक माता में ही है पिता वो बच्चे में आरएच पॉजिटिव है, ऐसी स्थिति में
फर्स्ट प्रोजेनी हिंदी में बोलेंगे, प्रथम संतति फर्स्ट प्रोजेनी नॉर्मल होती है। अब ये स्थिति कब होती है, देखो जैसे ही पार्चुरेशन की प्रक्रिया होती है, प्रसव क्रिया होती है, शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। देखो वंस अगेन, जब बच्चा गर्भाशय में पूर्ण विकसित हो जाता है, गर्भ पूर्ण विकसित हो जाता है, उसके पश्चात प्रसव क्रिया होती है। सभी एनिमल्स में हम सुनते हैं प्रसव क्रिया का अर्थ है शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया। तो फर्स्ट उस समय माता और बच्चे का ब्लड आपस में मिश्रित होता है, यानी मिक्स होता है। मिक्स होने की ऐसी स्थिति में ये दोनों अलग हैं, एक में ये माता में नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में माता की देह में एंटीबॉडी बन जाती है, वो एंटीबॉडी बच्चे पर घातक प्रभाव उत्पन्न करती है। फर्स्ट प्रोजेनी नॉर्मल होती है क्योंकि उस समय कम एंटीबॉडी बनती हैं, अभी ब्लड में ही रहती है माता के। दूसरा है, अगर हम ये कपल, ये पेरेंट दूसरी संतति भी उत्पन्न करते हैं और दूसरी भी यदि आरएस पॉजिटिव है, सेकंड प्रोजेनी हिंदी में बोलेंगे द्वितीय संतति एक विकार से ग्रसित होती है तथा प्रसव क्रिया के समय यानी जन्म के समय या जन्म के बाद बच्चे या शिशु की मृत्यु हो जाती है। ऐसा एंटीबॉडी अधिक बनने के कारण होता है, प्रतिरक्षी बोलेंगे हिंदी में, एंटीबॉडी अधिक बनने के कारण होता है, बनने के कारण होता है। अब देखो क्यों होगा, फर्स्ट प्रोजेनी जैसे ही जन्म हुआ है उस समय भी दोनों का ब्लड मिश्रित हुआ है, माता व बच्चे का, कुछ एंटीबॉडी बने वो माता की देह में, दोबारा प्रसव प्रक्रिया होगी, दोबारा मिश्रित होगा तो कुछ एंटीबॉडी पहले से ब्लड में बने हुए हैं कुछ और बन जाते हैं, यानी अब क्या हो जाते हैं, एंटीबॉडी अधिक हो जाते हैं। ये अधिक एंटीबॉडी क्या है, बच्चे पर, बच्चे को नष्ट कर देते हैं। अब नष्ट भी क्या करेंगे, विकार होगा देखो, जिसके कारण बच्चा मृत हो सकता है, उस विकार का नाम है ब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस, हिंदी में से बोलेंगे गर्भ रक्ताणु कोरकता आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसका तो अर्थ है आरबीसी, आरबीसी का अन्य नाम है, ध्यान रखना है किसका, आरबीसी क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे और प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। तो जहां भी इरिथ्रो शब्द आ रहा है वो आरबीसी से संबंधित होगा। ये हैं अन्य नाम किसके, आरबीसी के, तीनों के अन्य नाम लिखे हैं मैंने। तो इरिथ्रो आते ही आरबीसी, ब्लास्टोसिस का अर्थ है ब्लास्ट होना, फटना, फिटेलिस का अर्थ है 2 मंथ्स चाइल्ड, 2 मंथ चाइल्ड का अर्थ है जब बच्चे में बाह्य नाक नक्श विकसित हो जाते हैं, व्यस्क जैसा बच्चा दिखाई देने लगता है उस समय। देखो आरबीसी का ब्लास्ट होना, फटना कब, जब बच्चा या गर्भ 2 माह का हो जाता है, उसे फिटस कहते हैं, बाह्य नाक नक्श पेरेंट जैसे दिखाई देने लगते हैं, एक छोटे मनुष्य जैसे दिखाई देने लगते हैं, उसे फिटस कहते हैं। इससे ग्रसित होगा तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कब, जन्म के समय या जन्म के बाद बच्चे की। क्यों हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेनी के समय जो एंटीबॉडी बने थे वो भी हैं, इस समय भी एंटीबॉडी बनेंगे, पहले और इस समय दोनों अब एंटीबॉडी अधिक हो जाते हैं, वो बच्चे की आरबीसी को क्या कर देते हैं,
ब्लास्ट कर देते हैं और आरबीसी ब्लास्ट होंगी तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, कैरी नहीं होगा तो बच्चा प्रॉपर रूप से रेस्पिरेशन नहीं दर्शा पाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये आरएच फैक्टर की जटिलता है। अब देखो इस स्थिति में कैसे उसको निदान मिल सकता है, यानी द्वितीय संतति यदि सामान्य उत्पन्न करनी है या किसी विकार से ग्रसित नहीं हो उसके लिए मादा मनुष्य को एक विशेष इंजेक्शन, विशेष एंटीबॉडी का इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। ऐसी स्थिति में वो एंटीबॉडी नहीं बनने देता है और द्वितीय संतति भी सामान्य उत्पन्न हो सकती है, इस विकार से ग्रसित नहीं होती है, ध्यान रख लेना। इरिथ्रो आरबीसी के लिए लेंगे, ब्लास्ट का अर्थ है ब्लास्ट होना, फिटलिस का अर्थ है 2 माह का बच्चा, चाइल्ड लिखा मैंने। ये आरबीसी का अन्य नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्या है, प्लेटलेट्स बिंबाणु का नाम क्या है। दूसरा है अब इसका कैसे इस जटिलता का निवारण किया जा सकता है। अगला है इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस से सेकंड प्रोजेनी, हिंदी में बोलेंगे द्वितीय संतति, को बचाने हेतु, या ये बोल सकते हैं उपचार हेतु माता को प्रथम प्रसव, देखो प्रसव का अर्थ लिख देता हूं मैं यहां, प्रसव क्या है, शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को, जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। यह भी पूर्ण विकसित होना चाहिए, पूर्ण विकसित शिशु को बचाने हेतु माता को प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर, घंटों के भीतर IgG एंटीबॉडी, या ये बोल सकते हैं NTRHD का टीका लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है जिसे रोहगम भी कहते हैं, रोहगम। देखो यहां से भी पूछा जा सकता है कि रोहगम क्या है, द्वितीय संतति जो कि इस विकार से ग्रसित हो सकती है उसके उपचार हेतु माता को प्रथम प्रसव के पश्चात 24 घंटों के भीतर NTRHD का जो वैक्सीन लगाया जाता है उसे रोहगम कहते हैं। यह था स्टूडेंट्स आरएच फैक्टर। नेक्स्ट डे हम लेंगे जो टॉपिक्स जिसका अध्ययन करेंगे वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान। इसमें मुख्यतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या है, रक्तदान किसे कहते हैं, एक वैज्ञानिक पढ़ेंगे उसमें, जीन बैप्टिस्ट डेनिस, उन्होंने सबसे पहले रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन को संपादित किया था। दूसरा है क्यों आवश्यकता होती है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ब्लड क्यों लेता है, किन कारणवश मानव को ब्लड की आवश्यकता होती है। दूसरा है ये प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी फिर, यानी आवश्यकता क्यों हुई फर्स्ट। दूसरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे इसको ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा है ट्रांसफ़र के समय कौन कौन सी जटिलताएँ आ सकती हैं, या ट्रांसफ़र के समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरती जा सकती हैं या सावधानी बरतनी चाहिए। सो इसके पश्चात जो लास्ट टॉपिक है इसमें कुछ ब्लड ग्रुप से संबंधित जेनेटिक इम्पोर्टेंस दे रखा है,
अनुवांशिक महत्व दे रखा है रुधिर का। इसके पश्चात भी कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट और देखने को मिलेगा। यह था ब्लड को डोनेट करना, अब ऑर्गन डोनेट का भी है। अगर वर्तमान समय में हम देखें तो ये एक अच्छा प्रचलन चल रहा है, लोगों को, अन्य लोगों को खुशहाल जिंदगी देने के लिए ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं, जैसे आई का पार्ट किया जाता है, किडनियाँ किया जाता है, लीवर डोनेट किया जाता है, या कोई अन्य ऑर्गन जो डोनेट किए जाते हैं। वो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ऑर्गन डोनेशन। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।